कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर तंज कसा और बोले, लठ उठालो वाला अभियान वापस लेने से आरएसएस वाली मानसिकता खत्म नहीं होगी। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा, आरएसएस की मानसिकता रही है कि एससीबीसी आरक्षण खत्म होना चाहिए और भाजपा सरकार हर क्षेत्र का निजीकरण करके यही काम कर रही है। अरोड़ा ने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव ऐसे वक्त आए हैं जब देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर किसान, मजदूर, व्यापारी सब त्राही त्राही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार से जनता खफा है, गठबंधन सरकार को जनता बदलना चाहती है, विकल्प कांग्रेस है, लिहाजा कांग्रेस के प्रत्याशी इलाहाबाद उपचुनाव जीतेगा। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इलाहाबाद स्टार प्रचारक के तौर पर जो जिम्मेदारी सौंपी है और इसके लिए वे हिमाचल मंडी लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि वे दोनों जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएंगे। देखिए, लोग जेजेपी और बीजेपी के से परेशान हैं और लोग विरोध में इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार जो है लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। ना केवल उम्मीदों पर खरा उतरने की बात है, बल्कि मैंने पहले बताया कि हर वर्ग को परेशान करने का काम ये सरकार कर रही है। आपने देखा कि क्या मानसिकता है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि डंडे उठा लो और बाद में कहते हैं मैंने अपना बयान वापस ले लिया। बयान वापस होने से आदमी की मानसिकता नहीं खत्म होती। आरएसएस की मानसिकता ये है कि लोगों को लड़ाओ, तो उसी मानसिकता से काम कर रहे हैं। यही मानसिकता इनकी है कि आज देखा होगा आरएसएस पहले कहा करती थी कि एससीबीसी की रिजर्वेशन जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर दी हुई है इसको ख़त्म कर देना चाहिए, परंतु सीधे तौर पर ये ख़त्म कर नहीं पाए और अब सारी चीज़ प्राइवेटाइजेशन पर ला रहे हैं। अगर प्राइवेट सारे संस्थाओं के चले जाएंगी तो अपने आप ही आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज सबसे बड़ा चिंता एससीबीसी के गरीब भाइयों को है कि जिनको आरक्षण मिला आज वो खत्म करने पे लगेगा। इलाहाबाद का उपचुनाव एक ऐसे समय में आया जबकि हरियाणा प्रदेश नहीं, इस देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की हरियाणा प्रदेश की सरकार लगातार किसान, गरीब, मजदूर विरोधी सरकार बनती जा रही है। किस प्रकार से किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, किस प्रकार से आज किसान मंडी में चाहे धान लेके जा रहा है चाहे बाजरा लेके जा रहा है, ये कहा करते थे एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी, परंतु आज एमएसपी से नीचे किसान को लूटा जा रहा है। मंडियाँ के बाहर ढेर लगे हुए हैं, खरीददार नहीं है कोई, किसान परेशान है। बेरोजगारी की दर हरियाणा प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हो गई। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है, मजदूर को मजदूरी घटा दी जाती है, आड़त की आड़त घटा दी जाती है। हर वर्ग परेशान है और लोग बदलाव चाहते हैं। और जिस प्रकार की मानसिकता इस प्रदेश की सरकार की है, लगातार भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, लगातार घोटाले, बच्चे पेपर देने जाते हैं, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं और पता लगता है कि पेपर लीक हो गए। तो ये भ्रष्टाचार से डूबी, घोटालों से डूबी सरकार को लोग बदलना चाहते हैं और विकल्प आज के दिन केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। इसलिए इलाहाबाद के उपचुनाव में लोग इस सरकार को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी पवन बेनीवाल।